हेलो दोस्तों, नमस्कार। जोहार झारखंड, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं सुट्टी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। देखिए, मैं सुट्टी तोड़ रही हूँ। मेरे पेड़ में कितने सारे सुट्टी लगे हुए हैं, मैं सुट्टी को तोड़ रही हूँ। मैं सूटी तोड़ चुकी हूँ, अब जा रही हूँ बनाने के लिए। अब बोल देखिए, मेरा छोटा आलू सीने के लिए। अभी इसमें आलू देंगे, आलू सीने के लिए आलू को चढ़ा दिए हैं। तब तक सूटी को काट रहे हैं। इधर सूटी बोलते हैं झारखंड में, लेकिन सहजन भी बोला जाता है इसे। खाने में बहुत अच्छा लगता है इसका सब्जी। मुनगा का पत्ता से शुगर, बीपी सब लो होता है। ये बीमारी में भी काम आता है मुनगा का पत्ता। बीपी लो करता है, हाई भी, यदि जिसका लो है उसको मुनगा का साग खिलाने से बीपी हाई लो जो भी है कम होता है, ज़्यादा भी बढ़ता है। ये सूटी मैं काट चुकी हूँ, अब प्याज काटने जा रही हूँ। प्याज को काट कर रख लूंगी, उसके बाद मसाला पीसेंगे। मिर्चा, प्याज तो काट लिया, देखिए मिर्चा भी काट के इसमें डाल दे रहे हैं। खड़ा मिर्चा काट के देने से सब्जी में टेस्ट लगता है, सब्जी टेस्टी लगता है। ज़्यादा मसाला पीसेंगे। देखिए, मेरा घर का मिर्चा है, अभी मसाला पीसने जा रहे हैं। घर वाला मिर्चा बहुत ज़्यादा छाल लगता है। ये सरसों भी मेरा घर का है, घर का सरसों है। ये सब सारा मसाला भी पीसेंगे, पीस लेंगे उसके बाद। देखिए, मसाला मैं पीसने जा रही हूँ। सिलपट्टे का पीसा हुआ मसाला से सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं जब भी सब्जी बनाती हूँ अपने सिलपट्टे पे पीस के ही बनाती हूँ। मसाला पिसा चुका है, अब मसाला को उठा लेते हैं। मसाला पिसा गया मेरा। सब्जी बनाने का तैयारी कर रहे हैं। देखिए, पहले तेल डाल रहे हैं। तेल डालेंगे, उसके बाद सूटी को भून लेंगे लाल करके। सूटी भून के निकाल लेंगे। सूटी को धो ले रहे हैं, धो के पहले सूटी भूनेंगे, उसके बाद इसको निकाल देंगे भूंज के। गर्म हो चुका है, अब सूटी को डाल रहे हैं। डाल देंगे हम इसको, तलेंगे। जब लाल हो जाएगा उसके बाद इसको निकाल लेंगे। जब तक सूटी लाल हो रहा है तब तक हम आलू छील के रखते हैं। तब तक आलू, अब आलू छील रहे हैं। आलू छील के रख लेते तब तक सूटी मेरा लाल हो रहा है। सूटी लाल होकर भुन जाएगा, उसके बाद आलू डालेंगे। छील चुके हैं, अब मेरा सूटी भी लाल हो चुका है। अब सूटी को निकाल लेंगे, सूटी को निकाल लेंगे, उसके बाद आलू डालेंगे। ज़्यादा लाल हो जाएगा तो फिर कड़ा लगेगा खाने में, इसलिए सूटी को भी निकाल ले रहे हैं। आलू को भी तल ले रहे हैं, आलू को भी तल के निकाल लेंगे। ये आलू भी लाल हो चुका है, अब आलू को मैं निकाल दे रही हूँ। आलू भी तला गया है। तेल डाल रहे हैं, तेल डाल चुके हैं। प्याज डालेंगे, तेल गर्म होगा तो। पहले सरसों का फोरन देंगे, मेथी डालेंगे, जीरा डालेंगे, उसके बाद प्याज डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, एक पचफोरन डाल रहे हैं। पचफोरन डाल दिए, अब ये प्याज सबको डालेंगे। प्याज डाल देंगे, प्याज लाल होकर भुजा जाएगा तब फिर मसाला डालेंगे। चुकी हूँ, टमाटर काट दिया, प्याज भी लाल हो चुका है। देखिए दोस्तों, प्याज भी लाल हो गया, मसाला डाल रहे हैं।
मसाला डाल रहे हैं, हल्दी डाल रहे हैं, मसाला डला दिया, हल्दी भी डाल दिया। अब इसको लाल करके भूंजेंगे, मसाला पूरा लाल करके भूंजेंगे। मसाला जब भुंजा जाएगा तब पानी डाल के सब्जी को डाल देंगे। देखिए नमक डाल रहे हैं, नमक भी डाल दिए हैं। इसमें टमाटर डाल देंगे, टमाटर डलेगा साथ में भुन जाएगा। अब मसाला भूंज रहा है, मसाला 5 मिनट में भुंजा जाएगा। उसके बाद पानी डाल के डबकेगा पानी। मसाला भुंजा गया, देखिए कितना अच्छा लाल हो गया है। अब सब्जी को हम इसमें डाल देते हैं। 2 मिनट तक इसको चला लेंगे, उसके बाद फिर पानी डाल देंगे। मिला के चला देंगे इसको। पानी देखिए, पानी डाल दे रहे हैं। पानी डाल दिए हैं, अब इसको ढक दे रहे हैं। 10 मिनट तक ही पकेगा, पक जाएगा। उसके बाद तब तक हम धनिया पत्ता काट के रख लेते हैं। देखिए धनिया पत्ता जब वो 10 मिनट पक जाएगा, उसके बाद धनिया पत्ता को भी डाल देंगे। धनिया पत्ता काट के रख लिए हैं। धनिया पत्ता डालने से सब्जी का टेस्टी अच्छा लगता है। सब्जी अब तैयार हो चुका है, ये सूती का सब्जी। धनिया पत्ता डाल रहे हैं, धनिया पत्ता डाल देंगे। सूती का सब्जी जो है ना, तरीदार अच्छा लगता है। ज़्यादा सुखा दीजिएगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। इस सूती को जो चुप चुप के खाया जाता है ना, तरी रहने से ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। दोस्तों खाना बन चुका है, मैं खाना निकाली हूँ अपने हस्बैंड के लिए। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।